तो एक आंकिक प्रश्न की बात करते हैं। एक तार का प्रतिरोध 32 ओम है, इसे पिघलाकर एक ऐसे तार में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसकी लंबाई इस तार की तुलना में आधी है, तो उस नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है तथा प्रतिरोध में जो प्रतिशत परिवर्तन है उसको भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया गया क्या है, तार का प्रतिरोध 32 ओम। दूसरी बात प्रश्न में कि इस तार को पिघलाकर एक ऐसे नए तार में बदला जा रहा है जिसकी लंबाई इस तार की तुलना में आधी है, तो मान के चलते हैं यह तार इसके अनुप्रस्थ तार का क्षेत्रफल A1 मान लेते हैं और इसकी लंबाई मान लेते हैं L और इसका जो प्रतिरोध है R1 वो 32 ओम दिया गया है। अब इसको पिघलाकर एक ऐसे तार में बदला जा रहा है जिसकी लंबाई इसकी तुलना में आधी है। हम जानते हैं भाई लंबाई आधी करेंगे तो उसके अनुप्रस्थ तार का क्षेत्रफल बदलेगा, क्योंकि यहां तार का द्रव्यमान नहीं बदल रहा है, इसलिए जो नई स्थिति होगी वो ये होगी। माना ये स्थिति हो जाती है तार की कि इसका प्रतिरोध R2 जो हमें ज्ञात करना है, इसकी लंबाई पहली की तुलना में आधी L/2 हो जाती है, परंतु इसका जो अनुप्रस्थ काट है वो क्या हो जाता है A2। हम जानते हैं कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई की अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अगर इसको हम एक साथ लिखें तो क्या होगा भाई, इसको जैसे लिखें तो R बराबर होता है रो L/A। यहां रो उस तार की प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध कहें उसको, तथा L उस चालक की लंबाई और A उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो इस तार के लिए लिखें हम तो R1 का मान क्या होगा भाई, R1 बराबर होगा रो L/A1, और इसके लिए अगर इसको लिखें हम तो R2 बराबर क्या होगा रो L/2/A2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण, दोनों जो समीकरण एक इसको कहें, इसको समीकरण दो कहें, अगर इनको हम एक साथ लिखें तो R1/R2 बराबर होगा रो से रो कैंसिल हो जाएगी तो L/A1 और L/2, तो L और Y2 जाएगा ऊपर और A2 भी कहां जाएगी ऊपर, तो L से L कैंसिल तो क्या हो जाएगा 2A2/A1। इसको दे दें हम समीकरण 3 नाम, तो R1 और R2 का जो रेशो आएगा वो ट्वाइस ऑफ A2/A1। अब आगे इस प्रश्न को हल कैसे करें, तो देखिए यहां इस तार का द्रव्यमान नहीं बदल रहा है, बदल क्या रहे हैं लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं कि खींचने से पहले तार का द्रव्यमान बराबर खींचने के बाद का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व। अब इस तार की बात करें, इसका आयतन क्या होगा, क्योंकि तार बेलनाकार होता है और बेलन का आयतन क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल A1, ऊंचाई क्या है L और इसका घनत्व क्या मान लेते हैं D। तो खींचने से पहले तार का द्रव्यमान क्या है A1 L × D बराबर खींचने के बाद का द्रव्यमान, तो खींचने का बाद का द्रव्यमान वही बेलनाकार है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये हुआ आयतन गुणा घनत्व D। तो आधार का क्षेत्रफल A2 × ऊंचाई L/2, घनत्व क्या हुआ D। अब L से L कैंसिल, D से
डी कैंसिल, तो हम क्या लिख सके, देखो ना समीकरण तीन के हिसाब से हमें चाहिए ए टू बाई ए वन, तो ए टू बाई ए वन क्या होगा, ए टू बटे ए वन क्या लिख देंगे हम, आप बताइए। देखिए ए टू बाई ए वन, तो दो यहां जाएगा और एक यहां, तो ए टू बाई ए वन का मान होगा दो बटे एक, ये समीकरण चार। तो समीकरण तीन और चार से क्या लिख सकते हैं हम कि आर वन बटे आर टू बराबर दो इंटू ए टू बटे ए वन, और ए टू बटे ए वन का मान रख देते हैं समीकरण चार से, तो दो बटे एक बराबर चार, और आर वन का मान क्या दिया गया है, एक तार का प्रतिरोध 32 ओम, और तार खींचने से पहले इसका प्रतिरोध क्या था 32 ओम, तो आर वन के स्थान पर लिख दें 32 बटे आर टू बराबर चार, इसका मतलब चार आर टू बराबर 32, तो आर टू बराबर 32 बटे चार बराबर 8 ओम, इसका मतलब खींचने के बाद इस तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 8 ओम। अब लास्ट जो चीज है कि प्रतिरोध में परिवर्तन प्रतिशत क्या है, तो प्रतिरोध में परिवर्तन या प्रतिरोध में कमी लिख सकते हैं हम, तो प्रतिरोध में कमी डेल्टा आर बराबर होगी आर वन माइनस आर टू दैट इज इक्वल टू 32 माइनस 8 बराबर 24 ओम। प्रतिशत कमी क्या होगी, प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं, परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान इंटू 100, आर वन इंटू 100, 24 बटे आर वन का मान क्या है 32 इंटू 100, तो 8 या 24, 8 चौका 32, 25 चौका 100, अर्थात 75 प्रतिशत।